नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन में। आज हम लोग महिला पर्यवेक्षक 2021 का जो हिंदी का टेस्ट सीरीज हमारा एक श्रृंखला चल रहा है उसका यह तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो व्यापम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, दो पर्वतों के बीच की भूमि को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है घाटी, ऑप्शन नंबर बी है द्रोण, ऑप्शन नंबर सी है बेसिन और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रोण। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, ग्राहक शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर ए है ग्राहक, ऑप्शन नंबर बी है लेनदार, ऑप्शन नंबर सी है देनदार और ऑप्शन नंबर डी है कस्टमर। दोस्तों, ग्राहक शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? ग्राहक का तत्सम रूप होता है ग्राहक। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा तीसरा प्रश्न। तो आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, पटाखा किस विदेशी भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए है ब्राजील, ऑप्शन नंबर बी है डच, ऑप्शन नंबर सी है चीनी और ऑप्शन नंबर डी है फ्रांसीसी। तो पटाखा किस विदेशी भाषा का शब्द है दोस्तों? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी भाषा। और चीनी भाषा में और क्या क्या आ जाता है? लीची हो गया, चाय हो गया, ये सब भी चीनी भाषा है। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। तो आज का हमारा चौथा प्रश्न है, अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए है दो, ऑप्शन नंबर बी है चार, ऑप्शन नंबर सी है तीन और ऑप्शन नंबर डी है पांच। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दो। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार है? दो। कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। दोस्तों, सभी प्रश्नों को ध्यान से जरूर पढ़िएगा, ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह सीजी व्यापम द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्नांकित में देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है अनार, ऑप्शन नंबर बी है गाड़ी, ऑप्शन नंबर सी है तारीख और ऑप्शन नंबर डी अचार। तो इसका सही ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, गाड़ी, जो कि देशज शब्द है। हम लोग नॉर्मल बोलचाल में गाड़ी शब्द का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। तो आज का हमारा छठवां प्रश्न है, अंगूठा छाप मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है अनपढ़, ऑप्शन नंबर बी है चुनाव चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी है अंगूठे का नमूना और ऑप्शन नंबर डी है अंगूठे का निशान। तो अंगूठा छाप मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही अर्थ हो जाएगा अनपढ़। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। तो आज का हमारा सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है बहु, ऑप्शन नंबर बी है वधु, ऑप्शन नंबर सी है चर्म और ऑप्शन नंबर डी है कर्म। तो दोस्तों, जो ब शब्द से जो भी शब्द बनता है वो किसके अंतर्गत आता है? तद्भव के अंतर्गत आता है। तो इसमें तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। तो आज का हमारा आठवां प्रश्न है, ब्रह्मा कमल अमृत केस निम्नलिखित में से किस शब्द के अनेकार्थी है? ऑप्शन नंबर ए है गो, ऑप्शन नंबर बी है नग, ऑप्शन नंबर सी है कंज और ऑप्शन नंबर डी है कच। तो ब्रह्मा कमल अमृत केस, ये सब किसके अनेकार्थी शब्द है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंज। जैसे बोलते हैं ना, कंज लोचन और कमल नयन, तो दोनों सेम लग रहा है ना, कमल नयन कंज लोचन। तो कंज किसके अंतर्गत आ जाएगा? कमल का ही अनेकार्थी है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। तो आज का हमारा नवा प्रश्न है, निम्नांकित शब्दों में एक शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है अर्क, ऑप्शन नंबर बी है मार्तंड, ऑप्शन नंबर सी है तरणी और ऑप्शन नंबर डी है पारावत। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? जो ए बी और सी है वो तो सूर्य की पर्यायवाची है, जो डी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारावत। पारावत किसका पर्यायवाची होता है? कबूतर का। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। तो आज का हमारा दसवां प्रश्न है, मूर्ख शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है बुद्धिमान, ऑप्शन नंबर बी है वीरत, ऑप्शन नंबर सी है ज्ञान और ऑप्शन नंबर डी है विपदा। तो मूर्ख शब्द का विलोम शब्द क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्धिमान। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। तो आज का हमारा बारहवां प्रश्न है, कान पर जू रेंगना लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है कोई असर न होना, ऑप्शन नंबर बी है गहरा असर होना, ऑप्शन नंबर सी है कान पर घाव होना और ऑप्शन नंबर डी है सुनने में तकलीफ होना। तो दोस्तों, कान पर जू न रेंगना जब आता है
तो कोई असर नहीं ना होना होता है। तो इसमें कान पर जू रेंगना पूछा है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गहरा असर होना। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। तो आज का हमारा 13वां प्रश्न है, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है साहस दिखाना, ऑप्शन नंबर बी है बहुत कष्ट देना, ऑप्शन नंबर सी है भेद प्रकट होना, और ऑप्शन नंबर डी है असंभव कार्य करना। तो छाती पर मूंग दलना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत कष्ट देना। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। तो आज का हमारा 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्छिप्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए है ढ, ऑप्शन नंबर बी है ड, ऑप्शन नंबर सी है अक्ष, और ऑप्शन नंबर डी है त्र। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ढ। जैसे हम पढ़ते हैं ऐसे बोलते हैं ना, तो जो ड आता है ना वो आ जाएगा, और एक होता है जो पेड़ वाला ड आता है ना, ये दो व्यंजन ही है जिसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। तो आज का हमारा 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनुस्वार चिन्ह किसमें है? ऑप्शन नंबर ए है चावल, ऑप्शन नंबर बी है अंदर, ऑप्शन नंबर सी है आंगन, और ऑप्शन नंबर डी है बंदर। तो अनुस्वार किसे बोलते हैं दोस्तों? नाक से अधिक हवा निकलता है तो जो शब्द का उच्चारण होता है वही क्या होता है? अनुस्वार। जैसे अंदर, अन बोल रहे हैं ना, तो नाक से ज़्यादा हवा आ रहा है, नाक से आवाज़ आ रहा है, अतः जो अंदर लिखा है उसमें ही अनुस्वार चिन्ह है, और आंचल में क्या है? अनुनासिक है। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। तो आज का हमारा 16वां प्रश्न है, निम्न में से पंचमाक्षर ध्वनि है। ऑप्शन नंबर ए है प, ऑप्शन नंबर बी है य, ऑप्शन नंबर सी है न, और ऑप्शन नंबर डी है ल। पंचमाक्षर ध्वनि पिछले वीडियो में भी बताया था दोस्तों, जो स्पर्श व्यंजन है उसमें पाँच पाँच का जो ग्रुप बना है, ठीक है, व्यंजन का, उसमें जो लास्ट व्यंजन आता है उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? पंचमाक्षर ध्वनि। तो इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, तथ दध न, लास्ट में न आता है ना, तो वही पंचमाक्षर ध्वनि है। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। तो आज का हमारा 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है पार्वती, ऑप्शन नंबर बी है नीति, ऑप्शन नंबर सी है नराज, और ऑप्शन नंबर डी है साधु। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ए बी और सी तो गलत है, इसका सही आ जाएगा शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द डी, साधु। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। तो आज का हमारा 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है कवयित्री, ऑप्शन नंबर बी है कवियित्री, ऑप्शन नंबर सी है कवयित्री, और ऑप्शन नंबर डी है कवियित्री। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, कवयित्री। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। तो आज का हमारा 20वां प्रश्न है, वचन संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य को पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए है मुझे नहीं जाना, ऑप्शन नंबर बी है वे विविध विषयों से परिचित है, ऑप्शन नंबर सी है मेरे आंसू से रुमाल भीग गया, और ऑप्शन नंबर डी है हमें यह काम करना है। दोस्तों ध्यान से पढ़ने पर समझ आ रहा है कि ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे आंसू से रुमाल भीग गया, तो आंसू से नहीं होता है, आंसुओं से होता है। तो इसमें वचन संबंधी अशुद्धि इसी वाक्य में है, अतः इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। तो आज का हमारा 20वां प्रश्न है, सबों ने यह राय दी इस वाक्य में है। ऑप्शन नंबर ए वर्तनी संबंधी अशुद्धि, ऑप्शन नंबर बी है वचन संबंधी अशुद्धि, ऑप्शन नंबर सी है लिंग संबंधी अशुद्धि, और ऑप्शन नंबर डी है वाक्य रचना संबंधी अशुद्धि। तो दोस्तों इसमें लिखा है सबों ने यह राय दी, सबों की जगह क्या आ जाएगा? सब ने यह राय दी। तो सब बहुवचन में लिखा है, तो इसमें एक वचन में सब ने यह राय दी, मतलब वचन संबंधी अशुद्धि है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वचन संबंधी अशुद्धि। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। तो आज का हमारा 21वां प्रश्न है, दास शब्द का भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए है दासपन, ऑप्शन नंबर बी है दासत्व, ऑप्शन नंबर सी है दासता, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों दास शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से क्या बनता है? दासत्व। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर बी, दासत्व। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। तो आज का हमारा 22वां प्रश्न है, मैं यह काम आप ही कर लूंगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर ए है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर बी है निजवाचक, ऑप्शन नंबर सी है निश्चयवाचक, और ऑप्शन नंबर डी है प्रश्नवाचक। तो दोस्तों इसमें क्या लिखा है? मैं यह काम आप ही कर लूंगा। जब आप शब्द सामने प्रयोग होता है तो वह किसके रूप में प्रयोग होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए, लेकिन यहां पर बीच में प्रयोग हुआ है मैं यह काम आप ही कर लूंगा। तो दोस्तों यहां जो बीच में लिखा है ना आप के जगह आप खुद रख के देखिए, मैं यह काम खुद ही कर लूंगा।
जब भी हम आपकी जगह खुद या स्वयं रखें और वह वाक्य बोलने में अच्छा लगे तो उसमें क्या होगा, हमेशा निजवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक सर्वनाम। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। तो आज का हमारा 23वां प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 5। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, रचना की दृष्टि से क्रिया के 4 प्रकार है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। और क्रिया के 4 प्रकार कौन कौन से है, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। तो आज का हमारा 24वां प्रश्न है, मेरे से मत पूछो इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर ए है संज्ञा संबंधी, ऑप्शन नंबर बी है विशेषण संबंधी, ऑप्शन नंबर सी है सर्वनाम संबंधी और ऑप्शन नंबर डी है क्रिया संबंधी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वनाम संबंधी। सामने में लगा है संज्ञा के बदले सर्वनाम, मेरे से मत पूछो, मेरे से की जगह क्या आएगा, मुझसे मत पूछो। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। तो आज का हमारा 25वां प्रश्न है, मैंने नहीं जाना इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर ए है संज्ञा संबंधी, ऑप्शन नंबर बी है विशेषण संबंधी, ऑप्शन नंबर सी है सर्वनाम संबंधी और ऑप्शन नंबर डी है क्रिया संबंधी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, मैंने की जगह क्या आता है, मुझे नहीं जाना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। तो आज का हमारा 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित क्रिया संबंधी अशुद्धियों से शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है वह कुर्ता डालकर गया है, ऑप्शन नंबर बी है पगड़ी ओढ़कर आओ, ऑप्शन नंबर सी है वह लड़का मोटर हाँक सकता है और ऑप्शन नंबर डी है छोटी उम्र शिक्षा पाने के लिए है। तो इसमें अशुद्धियों से शुद्ध वाक्य चुनना है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, अब इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटी उम्र शिक्षा पाने के लिए है, जो कि शुद्ध वाक्य है। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। तो आज का हमारा 27वां प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है यह पत्र आपके अनुरूप है, ऑप्शन नंबर बी है वह अत्यंत सुंदर है, ऑप्शन नंबर सी है क्या आप जाएंगे और ऑप्शन नंबर डी है बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है। शस्त्र जो हाथ से पकड़ के ही प्रयोग करते हैं उसको शस्त्र बोलते हैं। तो इसमें क्या जाएगा, अस्त्र आएगा इसकी जगह। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। तो आज का हमारा 28वां प्रश्न है, कौन सा शब्द रचना की दृष्टि से अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है नारी, ऑप्शन नंबर बी है विधवा, ऑप्शन नंबर सी है महिला और ऑप्शन नंबर डी है स्त्री। तो दोस्तों रचना की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य पूछा है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है विधवा, उसमें वी में छोटी एक मात्रा आएगा लेकिन इसमें बड़ी है, अतः यही रचना की दृष्टि से अशुद्ध है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। तो आज का हमारा 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है रसायन, ऑप्शन नंबर बी है पैतृक, ऑप्शन नंबर सी है पैतृक और ऑप्शन नंबर डी है मट्टी। तो शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, पैतृक। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। तो आज का हमारा 30वां प्रश्न है, अक्ल दंग होना मुहावरा का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है चकित होना, ऑप्शन नंबर बी है दंगा होना, ऑप्शन नंबर सी है बेवकूफ बनना और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो अक्ल दंग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, चकित होना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, साथ ही आने वाले जो टेस्ट सीरीज है उनको भी ज्वाइन जरूर करिएगा, क्योंकि 30-30 प्रश्न उसमें आपको मिल जाएगा जो कि प्रीवियस ईयर व्यापम में पूछे गए प्रश्न हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।